हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की जिज्ञासा वीडियो में जहां पर हम लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सो फ्रेंड्स इन दी टूडेज जिज्ञासा जो फाइव इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज में आप लोगों के लिए पिक करके लाया हूँ इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी विच हैपन्ड फ्यू डेज अ इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड आउटबर्स्ट फ्लड्स

स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन दी लास्ट फ्यू इस तो हिमालय रीजन में होने वाले फ्लैश फ्लड इवेंट्स के लिए विच ऑफ दॉजेस कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो हमें थ्री फैक्टर्स यहां पर दिए गए हैं ब्रीच ऑफ डैम्स बाय ग्लेशियर लेक्स ऑप्शन टू लैंड स्लाइड और स्नो एंड ऑप्शन थ्री राइजरेचर इन हिमालयस और हमें बताना है हिमालयन रीजन सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी ऑल दी अब फैक्टर्स जो हैं वो हिमालयस में फ्लैश फ्लड्स uh, के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं तो अगर हम इस न्यूज को इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करें तो संडे को ऑन दुअरी Uh, उत्तराखंड के uh, एक रीजन में इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट देयर वाज अ फ्लैश फ्लड और इस फ्लैश फ्लड के अंदर हमारे प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है दिस फ्लैश फ्लड वाज पर्टिकुलरली हैपनिंग इन द धौली गंगा रिवर अलकनंदा रिवर एज वेल एज ऋषि गंगा रिवर ऋषि गंगा जो रिवर है वो धौली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और धौली गंगा रिवर अलकनंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सो ऑल थ्री रिवर्स दे आर कनेक्टेड विदर एंड दी फ्लैश फ्लड इवेंट जो फ्लैश फ्लड आया है वो ओरिजिनेट हुआ है धौली गंगा और ऋषि गंगा रिवर्स में और वो फ्लैश फ्लड इवेंट देन पूरा ट्रैवल करके अलकनंदा रिवर वैली में भी एंटर हुआ है सो दिस एंटायर रीजन ऑफ तपोवन रेनी विच इज लाइंग इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड और इस फ्लैश फ्लड की वजह से हमारे दो इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स द ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट एंड तपोवन पावर प्रोजेक्ट्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे और उनकी जो डेवलपमेंट है वो अभी चल रही थी फ्यूचर में इनको कमीशन किया जाना था ऑपरेशन में लाया जाना था तो इन प्रोजेक्ट्स को भी काफी नुकसान हुआ है तो ये तो हमारी न्यूज की बात हो गई लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्फॉर्मेशन उठाने वाले हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजास्टर सबसे पहले तो हिमालय में फ्लैश फ्लड्स का जो इश्यू है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे फ्लैश फ्लड्स आर बेसिकली फ्लड इवेंट्स विच अकर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सडन सर्ज होता है वाटर लेवल में स्पेशली इन दी कोस्टल एरियाज या अलोंग द रिवर बॉडीज जहां पर रिवर uh, uh, की वैलीज हो कोई लेक्स लोकेटेड हो या कोस्टल एरियाज हो वहां पर अचानक से बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वाटर लेवल का बहुत तेजी से बढ़ना और एक लोकलाइज्ड एरिया में फ्लड्स के इवेंट्स होना दिस इज योर फ्लैश फ्लड सो फ्लैश फ्लड इज सडन सर्जेस इन वाटर लेवल इन एरियाज लाइंग नियर टू दी कोस्ट और लाइंग नियर टू दी फ्लड प्लेन्स और लेक्स एंड दिस फ्लैश फ्लड इट इम्पैक्ट्स अ लोकलाइज एरिया फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट जो डिस्ट्रक्शन हो सकती है जो नुकसान हो सकता है जो लॉस हो सकता है प्रॉपर्टी का और लाइफ्स का बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स इट इज वेरी वेरी हाई एंड फ्लैश फ्लड सिचुएशन इट कैन ऑल्सो गेट मोर वर्स इफ दी नेचुरल वेज फॉर वाटर नेचुरल इवेकुएशन वेज फॉर वाटर नेचुरल चैनल्स फॉर वॉटर दे आर चोकड और द रीजन हैज़ अ हाई स्लोप जैसा कि हिमालयस में होता है हिमालयस में कभी भी कोई फ्लडिंग इवेंट होता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए होते हैं बिकॉज़ हिमालयस दे हैव अ हाई ग्रेडियंट ज़्यादा स्लोप होने के कारण कोई भी फ्लड वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से डाउन स्लोप जाता है और वो वाटर अपने साथ बहुत सारा डेबरी भी लेकर जाता है क्योंकि वाटर की स्पीड ज़्यादा है तो वाटर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट बहुत सारे रॉक्स बहुत सारे दूसरे बोल्डर्स को भी कैरी करते हुए आता है और जैसे जैसे वाटर नीचे स्लोप पे उतरता जा जाएगा। वाटर की जो एनर्जी है वाटर के जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वाटर के पास जो सेडिमेंट्स हैं जो वाटर अपने साथ डेब्री लेके आ रहा है मलबा लेके आ रहा है दैट डेब्री विल आल्सो इंक्रीज एंड दिस विल लीड टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी एट अ वेरी लार्ज स्केल तो ये तो बात हो गई हमारे फ्लैश की

अपर uh, साइड पे यानी कि ऑल्टीट्यूड जहां पे ज्यादा है केदारनाथ के पीछे जो हमारी पीक है केदारनाथ की के, वहां पे ग्लेशियर्स में वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ने से द ग्लेशियर लेक्स दे ब्रोक एंड देयर फॉर द फ्लड्स डाउन पूरी वैली में फ्लडिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई थी लगभग वही केस हमें 2021 यानी इस साल जो अभी फ्लडिंग इवेंट हुआ है लगभग यही चीज यहां भी हुई है एग्जैक्ट कॉजेज आर नॉट येट नोन मैं आपको फिर से बता रहा हूं अभी एक्सपर्ट्स जो साइंटिस्ट्स हैं या जो जियोलॉजिस्ट uh, हैं उस जाके पूरी जगह को स्टडी करेंगे और एग्जैक्ट कॉज क्या है वाई दिस पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड उसकी जो डिसीजन uh, है उसका जो वर्डिक्ट है वो देंगे तो जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि वॉट वॉज दी एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हम वो भी आपको अपडेट करेंगे लेकिन करंटली जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ्लड हुआ है इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑन द लास्ट संडे इट हैपन्ड बिकॉज ऑफ लैंड लेक आउटबर्स्ट जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है पिछले कुछ दिनों में इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड वो फ्रेश स्नोफॉल इस रिवर वैली के अंदर जाकर जो एक्स्ट्रा स्नो गिरी है उसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड अकर हुआ है ऐसा कहा जा रहा है अभी कुछ एक्सपर्ट्स का एग्जैक्ट रीजन क्या है ये हमें फ्यूचर में कुछ दिनों में जो है ये भी पता लग जाएगा लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के हम एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना को स्टडी कर लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मतलब क्या है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉट इज अ ग्लेशियर लेक ऑल द ग्लेशियर्स दे आर नथिंग बट मूविंग रिवर्स ऑफ आइस जहां पर भी आइस इकट्ठा हो रही है स्नो इकट्ठा हो रही है वो रीजन यूजली हमारे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन होते हैं तो अगर मैं हिमालयस की बात करूं हिमालयस के हाई पीक्स पे हाई समिट्स पे बर्फबारी हो रही है साल भर वो एरिया जो है वो बर्फ से ढका रहता है और जितनी हैवी स्नो फॉल होती है ऑल दैट स्नो इट स्टार्ट फ्लोइंग डाउन द स्लोप ग्रेविटी की वजह से वो स्लोप से नीचे आने लगती है सारी स्नो जस्ट लाइक अ रिवर रिवर तेज फ्लो करती है रिवर में लिक्विड वाटर होता है ग्लेशियर बहुत स्लोली फ्लो करते हैं डाउन स्लो यानी कि नीचे की तरफ और उनके अंदर लिक्विड वाटर की जगह सॉलिड आइस होती है वेरी क्लियर नाउ समटाइम्स वॉट हैपन्स ग्लेशियर्स का जो टर्मिनल है यानी ग्लेशियर जहां पर आके खत्म हो रहे हैं वहां पर ग्लेशियर्स की सारी स्नो मेल्ट हो रही होती है क्योंकि ग्लेशियर्स जब टॉप से काफी नीचे उतर आते हैं आफ्टर कमिंग डाउन अ सर्टन हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ग्लेशियर मेल्ट होकर रिवर वॉटर में तब्दील हो जाता है सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स दे आर एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स ओनली ठीक है लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो वॉटर मेल्ट वॉटर ग्लेशियर्स का निकल रहा है वो एक जगह इकट्ठा होकर लेक का रूप ले लेता है क्यों लेख का रूप ले लेता है यह चीज हम यहां पर एक बार देख लेते हैं द ग्लेशियर दैट इज कमिंग डाउनवर्ड्स इस ग्लेशियर के ऊपर जो भी मेल्ट वाटर निकलेगा वो या तो किसी सेडिमेंट की वजह से जिसको हम मोरेन बोलते हैं डिपोजिशनल सेडिमेंट होता है ग्लेशियर्स का उसकी वजह से ट्रैप हो जाएगा एक नेचुरल डैम बन जाएगा और वहां पे ग्लेशियर लेक की फॉर्मेशन होगी अदरवाइज किसी छोटी कैविटी के अंदर डिप्रेशन के अंदर जो मेल्ट वाटर है वो जमा हो जाएगा और ग्लेशियर की आइस एक डैम की तरह काम करेगी और वहां पर भी एक ग्लेशियर लेक बन सकती है या फिर अगर इस माउंटेनस रीजन में कोई लैंडस्लाइड हो जाती है रबल जो है वो हिल टॉप से नीचे गिर जाता है और वाटर को रोक देता है देन अगेन वहां पर एक लेक बन जाएगी सो दीज आर डिफरेंट काइंड वेज थ्रू विच अ ग्लेशियल लेक कैन बी फॉर्म्ड अब ये जो लेक है ये टेम्पररी लेक है इसमें बहुत सारा वाटर स्टोर हो सकता है लेकिन ये लेक फ्यूचर में कभी भी जो है बिल्कुल गायब हो सकती है बिल्कुल इसका जो डैम है वो टूट सकता है क्योंकि ये जो डैम बना हुआ है इस लेक के अराउंड दैट इज मेड अप ऑफ आइदर स्नो और डेबरी और जो लैंड स्लाइड में रॉक्स गिरे थे या सिडमेंट था उसकी वजह से ये लेक का डैम बना हुआ है और ये डैम कभी भी टूट सकता है जब यह डैम टूटेगा तो ये जितना लेक के अंदर वाटर है ऑल दैट वाटर विल फ्लो डाउन स्लो एट अ वेरी ग्रेट स्पीड और ये एक फ्लैश फ्लड इवेंट का काम करेगा ये तो हो गया हमारा ग्लेशियर लेक आउटबस्ट इसी तरीके से लैंडस्लाइड लेक आउटबस्ट भी हो सकता है जो कि चमोली इंसिडेंट में हुआ है ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं वॉट इज लैंड स्लाइड लेक आउटबस्ट किसी लेक के अंदर जो ग्लेशियर लेक बनी हुई है या रिवर वैली बनी हुई है वहां पर जब बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाए या फिर लैंडस्लाइड हो जाए आफ्टर हैवी रेनफॉल दोनों केसेस में लैंडस्लाइड के केस में रॉक का डेबरी पहुंच जाता है रिवर के अंदर और हैवी स्नोफॉल या है, स्नो एवलॉन्च के केस में जो फ्रेश स्नो गिरी है वो बहुत तेजी से रिवर वैली के अंदर गिर जाती है दोनों केसेज में ऑल द वॉटर स्टोर्ड इन दैट रिवर वैली और इन द ग्लेशियर लेक वो बहुत तेजी से डाउन स्लो मूव करने लगेगा और अगेन फ्लैश फ्लड लाइक इवेंट जो है क्रिएट हो सकते हैं तो ये तो बात हो गई हमारे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट या लैंड स्लाइड लेक आउटबस्ट की लेकिन इसके कॉजेज क्या हैं क्यों ऐसा हो जाता है कि ग्लेशियर लेक जो है वो ओवर रन कर जाती है वो ब्रीच कर जाती है या लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कॉजेज में आपका ग्लोबल वार्मिंग एक एक्सेलरेटेड कॉज है टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं हिमालयाज में बहुत तेजी से जिसके कारण द ग्लेशियर्स दे आर मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट एंड देयर फोर मोर एंड मोर वाटर मोर एंड मोर मेल्ट वाटर इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन दीज लेक्स और ऐसी बहुत सारी लेक्स की फॉर्मेशन हो रखी है ऐसा अनुमान लगाया गया है बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑल्सो दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेक्स इन दी स्टेट पर्टिकुलरली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और ये ग्लेशियर लेक्स एक डिजास्टर या हैजर्ड का रूप ले चुकी हैं कभी भी फ्यूचर में ये लेक्स जो हैं वो फ्लैश फ्लडिंग इवेंट करवा सकती हैं

अर्थक्वेक्स का सिंपल मतलब है आर टेक्टोनिकली एक्टिव सो अर्थक्वेक के बहुत सारे केसेस हिमालयास में होते रहते हैं और अर्थक्वेक्स की वजह से भी ये जो लेक्स हैं इनके डैम्स टूट सकते हैं नेचुरल डैम्स टूट सकते हैं क्रायोसिज्म क्रायोसिज्म का मतलब है ऑल दी सर्फेस विच आर कवर्ड बाई आइस यानी कि ग्लेशियर्स या आइस कैप्स या शीट्स ये इनके अंदर होने वाली कोई भी सिजमिक एक्टिविटी यानी कि लैंड मूव नहीं कर रही है लेकिन जो सरफेस है जिसपे बर्फ है आइस शीट है या ग्लेशियर है जब ये ग्लेशियर मूव करता है या क्रैक करता है ये बर्फ जब मूव करती है क्रैक करती है वाइब्रेट करती है ऑसिलेट करती है उसकी वजह से ये भी जो ग्लेशियर लेक्स हैं इनमें आउट हो सकता है इनकी जो बाउंड्री है इनके जो डैम्स हैं वो ब्रीच आउट हो सकते हैं ह्यूमन्स की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हम रोड्स बनाते हैं पावर प्रोजेक्ट्स uh, बना रहे हैं उत्तराखंड की रिवर वैलीज के अंदर इसकी वजह से स्लोप डिस्टेबिलाइज हो रही है ग्लेशियर्स का टेम्परेचर इसके वजह से भी बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के आसपास जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं उसकी वजह से भी ऐसे इवेंट्स हमारे सामने हो सकते हैं देन लेव लैंड स्लाइड्स और स्नो एव लॉन्चेज इंटू द लेक्स दिस हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर ऑल्सो प्रॉबेबल कॉजेस सो ये सभी प्रॉबेबल कॉजेज आपको पता होने चाहिए और पिछले सालों में अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय दिवेचा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट स्टडीज इन बैंगलोर हिमालय के अंदर पिछले सालों में रेनफॉल इंक्रीज होती जा रही है एंड स्नोफॉल

टू वेस्ट बंगाल में हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स के बहुत ज्यादा इंसिडेंट फ्यूचर में देखने को मिलेंगे गाइडलाइंस क्या दी गई है kind of के uh, ने से कुछ गाइडलाइन दी थी सबसे पहले उन्होंने कहा, कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर सच ग्लेशियर्स आर लोकेटेड वेयर सच पावर प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड वेयर सफिशिएंट ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग लाइव्स को लाइव्स को ह्यूमन लाइव्स uh, को सबसे पहले प्रायोरिटी पर बचाया जा सके इवैक्यूएशन किया जा सके इसके साथ हमें प्रॉपर सिंथेटिक अपर्चर राइडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए Uh, जो हमारे हिमालयन रीजन्स में ग्लेशियर्स हैं या जो ग्लेशियर लेक्स बनी हैं इनकी सर्वेलेंस करते रहनी चाहिए पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दी मॉनसून मंथ्स एज वेल एज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स जब हैवी स्नोफॉल होता है हिमालयन रीजन्स में इन दोनों टाइम्स में अगर हम सर्वे करते रहते हैं रडार से और पूरे रीजन को मॉनिटर करते रहते हैं तब हमें पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी लोकेशंस पे ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं या वाटर का स्टोरेज है और कब यह वाटर का स्टोरेज जो है ब्रेकआउट कर सकता है और हमें ऐसे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट इज कि अगर हमें ऐसे लेक्स के बारे में पता चल जाता है ऐसे स्टोर हाउसेज ऑफ वाटर के बारे में पता चल जाता है तो कंट्रोल्ड ब्रीच हम कैसे कर सकते हैं हम अपनी तरफ से धीरे धीरे वाटर को कैसे इवैक्यूएट करवा सकते हैं कि अचानक एक दो सेकंड के अंदर एक दो मिनट के अंदर ऑल दैट लेक डज नॉट एम्प्टी आउट लेकिन हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करके या मशीन से वाटर को पंप आउट करके थोड़ा रेगुलेटेड अमाउंट में वाटर को धीरे धीरे अगर निकालते रहे तब भी हमारे ग्लेशियर लेक जो है वो कभी बर्स्ट या आउटबर्स्ट नहीं करेंगी क्लियर हो गया तो ये सारी सिचुएशन आपको जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड दिस एंटायर थिंग शुड ऑल्सो भी गोइंग इन योर मेन्स फॉर्डर जहाँ पर आप हिमालयाज में फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स को आ, आ, उसके बारे में अपनी जानकारी रखेंगे रीसेंट इंसिडेंट्स 2013 का केदारनाथ इंसिडेंट 2021 का चमोली डिस्ट्रिक्ट का इंसिडेंट incident, ये इंसिडेंट्स भी आपको कोट करने आने चाहिए इसके अलावा जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के रिगार्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन है वो जीएस वन पेपर में सबसे पहले जो जियो फिजिकल फिनमोमिना का हमारा जॉग्राफी का टॉपिक है वहां हमारी हेल्प कर सकता है है इसके साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक इन दी पेपर ऑफ इन इन आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए और कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है इससे जुड़े हुए सजेशन मांगे जाएंगे तो वहां पर आप एनडीए में गाइडलाइंस को और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की नॉलेज को यूज कर सकते हैं क्लियर हो गया दोस्तों दिस वॉज दी फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल टाइप का था इसी के साथ अब सेकंड क्वेश्चन जो है दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर इशू एंड कॉन्टेक्स्ट ओनली यहां पर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड द रिवर्स दे आर लोकेटेड ऑन इज करेक्टली मैच एंड आई हैव थ्री पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ओवर धौली गंगा रिवर श्रीनगर प्रोजेक्ट ओवर अलकनंदा कोटेश्वर प्रोजेक्ट ओवर भागीरथी और अगर मैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स की बात करूं ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स दे आर करेक्टली मैच्ड विद रिवर्स तो आपको यह भी एक चीज ध्यान रखनी है उत्तराखंड में बहने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स को याद कर लो उन रिवर्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है और वो रिवर्स के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस डिजास्टर की वजह से भी द रिवर्स इन उत्तराखंड एंड दी पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड दे आर अगेन इन न्यूज सो दो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ है इन दी इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है ओवर धौली गंगा रिवर इट इज अ 520 मेगावाट प्रोजेक्ट जिसको एन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग इन दी धौली गंगा रिवर ठीक है धौली गंगा रिवर की हम बात कर रहे हैं तो धौली गंगा जो रिवर है इट इज ओरिजिनेटिंग नियर रायकाना ग्लेशियर जहां पे आपका वसुधारा आ, आ, ग्लेशियर लेक बनी हुई है वहां पर एक ऑलरेडी ग्लेशियर लेक बनी हुई है जिसको वसुधारा लेक कहा जा रहा है वहां से आपकी धौली गंगा रिवर निकल कर आती है 4700 मीटर के ऑल्टीट्यूड से ओरिजिन कर रही है देन इट ज्वाइंस दी अलकनंदा रिवर एट विष्णुप्रयाग जहां पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इससे 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ही विष्णु प्रयाग लोकेटेड है जहां पे अलकनंदा रिवर में जाके आप आपकी धौली गंगा रिवर मीट करती है नेक्स्ट इज और श्रीनगर प्रोजेक्ट डो नॉट कंफ्यूज इट विद दी श्रीनगर इन काश्मीर दिस इज अ श्रीनगर लोकेटेड इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अगेन थ्री थर्टी रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ओवर द रिवर अलकनंदा अलकनंदा की हम बात करेंगे तो सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली हमारी अलकनंदा रिवर है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी धौली गंगा रिवर और ये जो अलकनंदा रिवर है

ऋषिगंगा प्रोजेक्ट नाउ प्राइवेट प्रोजेक्ट विच इज आल्सो लोकेटेड इन द ऋषि रिवर वैली 130 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और ये जो ऋषिगंगा रिवर है दिस इज ऑरिजिनेटिंग नंदा देवी ग्लेशियर एंड ऑन दी नंदा देवी माउंटेन एंड इट कंटिन्यूज थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क एंड फ्लोज इन टू दौली गंगा रिवर नियर दी रेनी विलेज और जहां पर धौली गंगा रिवर और ऋषि रिवर का मीटिंग पॉइंट है लगभग उसी रीजन के पास ऐसा बताया जा रहा है कि वी स्नोफॉल और स्नो एवलॉन्च की वजह से ये फ्लैश फ्लडिंग का इवेंट हुआ है सो दिस इज योर तपोवन प्रोजेक्ट दिस इज योर ऋषिगंगा रिवर राइट दिस इज योर ऋषिगंगा रिवर विच इज कमिंग डाउन इन टू रिवर ऑफ धौलीगंगा एंड धौलीगंगा रिवर यहाँ जोशीमठ के पास बागीरथ बद्रीनाथ के नॉर्थ से आने वाली अलकनंदा रिवर को मीट करती है एंड दिस इज ओर ऋषिगंगा सो दिस ऋषिगंगा रिवर और यहाँ पर आपका ऋषिगंगा प्रोजेक्ट लोकेटेड है तपोवन पर आपका तपोवन प्रोजेक्ट uh, लोकेटेड है और अलकनंदा रिवर आपके यहाँ मीटोरी है यहाँ पर आपका इवेंट हुआ है जहां पर स्नो एव लॉन्च हुआ है एंड बिकॉज ऑफ द स्नो एव लॉन्च एंटायर वैली वॉज फ्लडेड वॉटर स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हेयर इटेंट इन टू द अलकनंदा रिवर एंड आफ्टर दैट अलकनंदा रिवर में भी फ्लडिंग की सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है क्लियर हो गया दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स दर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इन दिस क्वेश्चन हमें फोर कंट्रीज दी गई है ऑस्ट्रेलिया म्यांमार पाकिस्तान ईरान एंड वी हैव टू आंसर विच ऑफ देशन आर मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज म्यांमार एंड पाकिस्तान दीज टू नेशन आर नॉट मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वन एंड फोर ऑस्ट्रेलिया एंड ईरान दीज टू कंट्रीज आर मेंबर्स क्यों बात कर रहे हैं हम इंडियन ओशन रीजन की बिकॉज रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर हैड अग विथ द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन जिसमें लगभग बीस से ऊपर ऐसी कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन के आसपास लोकेटेड हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एंड दिस मीटिंग इट हेल्ड इट वॉज हेल्ड ऑन दस्पिस ऑफ एरो इंडिया टू थाउज जो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होता है बेंगलोर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस कॉन्टेक्स को यूज करके हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं ऑल दो दिस एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मीटिंग विच वॉज हेल्ड बाई डिफेंस मिनिस्टर्स डिफेंस मिनिस्टर जी की जो मीटिंग थी उसमें सभी नेशन के इंडियन ओशन के साथ जो नेशन लगते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया गया था लेकिन ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर है मॉरिशियस के अंदर ठीक है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया भी है और इस ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल मीटिंग्स होती हैं जिसमें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इज द एपिक्स बॉडी जहां पर सभी देशों के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आकर शिरकत करते हैं और इंटर कोऑपरेशन uh, की जो इश्यूज है उस पर डिस्कशन होता है टू प्रमोट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन तो ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें सो ऑल द कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन बेसिन, दे आर मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दे आर टोटल ट्वेंटी थ्री मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो मेंबर नहीं है उनकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा पाकिस्तान इज नॉट अ में म्यांमार इज नॉट अ मेंबर विच इज ऑल्सो लाइंग एट द कोस्ट ऑफ योर इंडियन ओशन रीजन सो मालिया वॉज मेंबर इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये हमारी बात हुई मेंबर्स की लेकिन कुछ डायलॉग पार्टनर जरूर हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि चाइना जापान इजिप्ट फ्रांस यूके एंड योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दीज आर योर डायलॉग पार्टनर्स क्लियर

ज एट दंबर वन स्पॉट फॉलोड बाई पंजाब राइट तो रामसार की हम बात क्यों कर रहे हैं बिकॉज सेल्ड वेटलैंडी वन में रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था फिफ्टी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन की इन दर ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन एंड ये जो कन्वेंशन है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड को प्रमोट कर रही है प्रमोट कर रही है यह भी हम जानते हैं इसके साथ इफ इस वी टॉक अबाउट रामसारन्वेंशन various countries which are member of this particular convention they have to designate certain wetlands as वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनको हम रामसार साइट्स भी बोलते हैं इंडिया में ऐसे टोटल 42 साइट्स हैं और इंडिया का 4.6 परसेंट का जो एरिया है लगभग वो वेटलैंड्स के अंदर आता है इंडिया में जो टोटल 42 टू रामसार साइट्स हैं इसमें से एट रामसर साइट्स दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मेकिंग इट द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड रामसार साइट्स रिसेंटली जो लेटेस्ट रामसार साइट इंक्लूड की गई है इट हैपेन्ड इन डिसंबर टू थाउजेंड सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इसको इंक्लूड किया गया है रामसर वेटलैंड साइट्स में और ये सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख तो अब आपको मैंने मैप uh, भी यहां पे मैंने प्रोवाइड किया है जहां पर मैं 42 रामसर साइट्स विच हैव बीन इंक्लूडेड uh, इन द in uh, रामसर कन्वेंशन फ्रॉम इंडिया उनकी पूरी लिस्ट दे दी है क्लस्टर ऑफ दीज वेटलैंड आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री अगर मैं लद्दाख की बात करूं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूं पंजाब की बात करूं हरे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड की बात करूं यहां पर आपके अच्छे खासे वेटलैंड साइट्स लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में भी आपकी एट वेटलैंड साइट्स लोकेटेड हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज वेटलैंड साइट्स दे आर बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हिमालयन रिवर्स आके उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं इन रिवर्स के द्वारा बनाई गई ऑक्स बाउ लेक्स या रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं स देव बिन इंक्लूडेड एज रामसार साइट क्लियर तो आपको क्या ध्यान रखना है सारी फोर्टी टू के फोर्टी टू रामसार साइट आपको पता होनी चाहिए ठीक है और ये फोर्टी टू रामसार साइट पता होने के साथ किस स्टेट में ये रामसार साइट लोकेटेड है ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ यहाँ पे दैट होमवर्क इज अबाउट मॉन्ट्रू रिकॉर्ड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो ऑनलाइन एंड सर्च वोन्ट्रू रिकॉर्ड इज एम ओ एन स्पेलिंग मैंने यहां सही नहीं लिखी है मॉन्ट्रू रिकॉर्ड सही जो स्पेलिंग है वो ये है एम ओ एन टी आर ई यू एक्स मॉन्ट्रू रिकॉर्ड मॉन्ट्रू रिकॉर्ड क्या है इसको आप ऑनलाइन सर्च करिए अगर आपको पता है तो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइए और अपने फेलो एस्पेरेंट्स की भी मदद करिए क्योंकि मॉन्ट्रू रिकॉर्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर रामसार वेटलैंड राइट सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडेज जिज्ञासा नेक्स्ट अप इज योर फिफ्थ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अब फिफ्टी फर्स्ट टाइगर रिजर्व हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज इन आर कंट्री और कौन सा ये फिफ्टी फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वो आपको आंसर देना है ऑप्शन रिजर्व सिर मेगामलाई टाइगर रिजर्व अनामलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिवेली पुतूर एंड मेगामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाड दीज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री ये जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का फिफ्टी फर्स्ट और

दी सिरेविलीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड कॉन्टिगुस एट एडजॉइनिंग टू द पेरियार टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ केरला ऑल्सो सो ये जो दोनों हमारे टाइगर रिजर्व हैं सॉरी ये जो दोनों हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं सिरेविलीपुर एंड मेघामलाई दे आर लोकेटेड इन थेनी एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु राइट एंड यहाँ पर बहुत रिच वैराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं जिसमें इंडेंजर्स स्पीशीज़ ऑफ नीलगिरी तार लॉयन टेल्ड मैकॉक इंडियन जाइंट स्क्रल इंडियन ग्रिजल्ड जाइंट स्क्टेंट स्पीशीज लोकेटेडेड है इंपॉर्टेंट स्पीशीज राइट नेक्स्ट इज सिविलीपतर और मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है इनको रिकोगनाइज किया गया एज अ टाइगर रिजर्व बाई एन टीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करती है वट इज प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी थ्री में इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड इंक्रीज दॉपुलेशन ऑफ आर नेशनल एनिमल दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर तो जितने हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कंट्री में नेचुरल नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स को अगर वहां पर टाइगर पॉपुलेशन अच्छी है और टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अगेन अ स्टेचुटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये अथॉरिटी फिर किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को डेजिग्नेट uh, uh, कर सकती है एज अ टाइगर रिजर्व सो करेंटली इंडिया हैज अबाउट फिफ्टी वन टाइगर रिजर्व एंड सम ऑफ समीज टाइगर दे आर शोन इन द मैप गिवन हेर और इन टाइगर रिजर्व की लोकेशन एंड इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए इसके साथ टाइगर रिजर्व को हम कोर बफर स्ट्रेटजी पर यूटिलाइज करते हैं हर टाइगर रिजर्व का एक कोर एरिया होता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल लिमिटेड रखा जाता है सराउंडेड बाई अ बफर रीजन विच एंड acts as a kind of transition zone between uh, protected ecological area and the nearby human settlements right so friends isi हमारी आज का जिज्ञासा का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे एंड प्लीज़ गिव मी अ चांस टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट दी अफोर्डेबल एंड एक्साइटिंग कोर्सेज जो सिविल स्टैप ने लॉन्च किए हुए हैं फॉर दी हेल्प ऑफ ऑल यू एस्पिरेंट्स अगर आप सिविल स्टैप के साथ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारी uh, बहुत ही जो एफर्ट्स uh, uh, के साथ बनाई गई करंट अफेयर्स बेस्ड परिश्रम टेस्ट सीरीज़ है उसका फायदा उठाना चाहते हैं देन इन फोर फोर नाइन नाइन रुपीज़ फ्रॉम मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टिल मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ऑल दी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इशूज़ आपको अवेलेबल होने वाले हैं और 2021 प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई और सोर्स कंसिडर uh, करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसी के साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर 2021 हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड एंड योर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर 2021 इज आल्सो बीइंग ऑपरेटेड बाय सिविल स्टेप एंड अ डेडिकेटेड सीसेट कोर्स जिसमें आपको मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग एबिलिटी डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स के थ्रू पढ़ाई जा रही है ये भी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ के अंदर कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं सो इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर जर्नी फॉर योर सिविल स्टेप फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन गिव सिविल स्टेप अ चांस कि हम आपकी मदद कर सकें और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा ईजी और और ज़्यादा एफिशियट बना सकें सो so फ्रेंड्स इसी के साथ Uh, ये सेशन हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कीप ऑन ग्रोइंग कीप ऑन लर्निंग एंड ये जिज्ञासा सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो जरूर इनको लाइक करिए शेयर करिए मंग्स योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम एंड ज्वाइन अस तो कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग जय हिंद जय भारत